Hello there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies जो आपको 3 स्टार दिला सकती है होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। सो भाई, जैसे कि हम CWL सीरीज चल रही है, मुझे उम्मीद है आपने अगले सारे वीडियोस देख लिए होंगे और आपको वो पसंद आए होंगे। सो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हमारी है लास्ट वॉर और जैसा मैंने लास्ट वॉर का प्रिडिक्शन किया था, हम जीत सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे रिजल्ट। और आज मैं यूज़ करने वाला हूँ फैल्कन आर्मी, इसका भी वीडियो मैंने डाला है। और जो है मेरे वॉल्कायरीज लेवल 2 के, इसीलिए मैंने यूज़ कर लिया है पावर पोशन। और जो मेरा बेस्ट सीसी मुझे लगा था वो यूज़ किया है मैंने गेटी एंड सुपर आर्चर। तो देख सकते हैं आप, 6th वॉर में आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन टिक, इसका मतलब हम वो वॉर जीत चुके हैं। ऑसम प्रेडिक्शन हमारा हमेशा राइट हो रहा है, वॉर हम जीतते जा रहे हैं। तो गाइस 3 बार जीत चुके हैं, 3 बार हार चुके हैं, तो हम इक्वल लेवल पे जा रहे हैं। और ये क्लैन के सामने भी मुझे लगता है हम जीत सकते हैं इजीली। ये है हमारे लेवल का बैटल, आप देख सकते हैं TH7 के सामने TH8, फिर भी मैनेज कर सकते हैं। टाउन 9 के सामने 9, 10 के सामने 10 और 11 के सामने 11। और मैं जा रहा हूँ अपने मिरर की तरफ, फर्स्ट टाउन हॉल 10 बेस, इस पर भी मुझे 3 स्टार करना प्रायोरिटी है, इसीलिए मैं टाउन हॉल 10 पर ही अटैक करूंगा, 11 पर नहीं करूंगा, कि 11 पर फेल होने के चांसेस थोड़े हैं। टाइम फेल ही होगा हमारा 11 पर। 3 स्टार यहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लास्ट वॉर है और सामने वाला क्लैन एक्टिव भी है। सो लेट्स गो फॉर द अटैक, फैल्कन आर्मी मास वॉल्काइरी अटैक। देखिए यहाँ पर जो है वो सीसी की पोजीशन देख लीजिए, बॉम्ब टावर जो है वो डिस्ट्रॉय करूंगा मैं पहले, उसके बाद मैं मेरा हॉक डाल दूंगा एक, जिससे कि सीसी में अगर कुछ हो तो वो बाहर आ जाए। इस तरह से प्लान किया है मैंने। और इसका इन्फर्नोस दोनों सिंगल है। सो कॉर्नर से मैं शुरू कर दूंगा क्वीन वॉक। चलिए गाइस, लेट्स रोल ऑन फॉर द अटैक, फैल्कन अटैक हमारा। मेरी आर्मी यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसमें पैकास 2 लिए मैंने, वॉल रैकर ले लिया है। तो हम चालू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक। अब क्वीन जो है वो हमारी मोड़ सकती है कोई भी तरफ, तो हम इस तरफ डाल देंगे बेबी ड्रैगन, जो इस तरफ का बेस क्लियर कर देगा, जिससे कि क्वीन उस तरफ जाए बॉम्ब टावर की तरफ, जैसे कि हमने डिसाइड किया था। बॉम्ब टावर को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमें हॉक डालना है सीसी लेयर आउट करने के लिए। देखिए क्वीन इस तरफ आ रही थी लेकिन बेबी ड्रैगन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए वो चल चुकी है बॉम्ब टावर की तरफ। अब बॉम्ब टावर जैसे डिस्ट्रॉय होगा मैं डाल दूंगा अपना हॉक राइडर। और ये देखिए सीसी में से निकले बलून्स, तो हम डाल देंगे पॉइजन एंड फ्रीज। फ्रीज की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि बलून्स बहुत स्लो है और पॉइजन है, तो हमने आर्चर क्वीन को रेज दे दिया है। और अब हम डाल देंगे हमारा वॉल रेकर, और जैसे ही फनल हो जाए क्रिएट, हम डाल देंगे सारे पैकास एंड वॉल काइल। ओ गाइस, ये हमारे पैकास भटक चुके हैं जो हमारा टैंक था, तो हम पीछे से डाल देंगे सारे वॉल काइरीज और उनके पीछे बारबेरियन की। तो हमारा वॉल रेकर जो है वो सेंटर तक पहुंच चुका है, वॉल रेकर में येटी और उसके सामने आ चुका है बारबेरियन किंग। तो हमारा टैंक बन चुका है अब येटी एंड बारबेरियन किंग, इससे हमारे वॉल्काइरीज पीछे सेफ है और पीछे सुपर आर्चर भी है हेल्प करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में भी वॉल्काइरीज है, कॉर्नर पे भी वॉल्काइरीज है और उस कॉर्नर पे पैकास एंड आर्चर पे। क्या यह अटैक हमसे 3 स्टार हो पाएगा? इट्स एन इम्पॉर्टेंट अटैक फॉर द वॉर, 3 स्टार करना जरूरी है इस बार। चलिए देखते हैं अटैक 3 स्टार हो पाता है या नहीं। पैकास हमारे बचे हुए दोनों के दोनों, आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे है। सो मुझे लगता है ये अटैक इजीली 3 स्टार हो जाएगा। यहाँ पर हमारा येटी भी बचा हुआ है। कम ऑन, 3 स्टार हो जाएगा ये अटैक। यहाँ पर बारबेरियन किंग हो चुका है डाउन, लेकिन येटी बचा हुआ है। येटी की ऑलमोस्ट फुल हेल्थ है और उसे सपोर्ट करने आ चुकी है आर्चर क्वीन। इस टावर इज डाउन, अब बचा एक विश टावर और एक इन्फर्नो। तो हमारी क्वीन जाएगी इन्फर्नो की तरफ एंड पैकास जाएगी विजर्ड टावर की तरफ।
तो दोनों एक के बाद एक साथ में डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे टाइम फेल भी ना हो और हमारा अटैक इसी भी गाइज हो जाएगा एक 3 स्टार ऑन द वे। ऑसम अटैक हो चुका है हमारा 3 स्टार। देख लेते हैं वॉर मैप, तो गाइज हमने दर्ज कर लिए हमारे 3 स्टार और ये क्लैन के सामने इजी विक्ट्री पॉसिबल है। सो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा फुल एंड फाइनल लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का, जिसमें मैं बताऊंगा वॉर का रिजल्ट, लास्ट वॉर का, और उसके बाद मेडल्स कैसे देंगे और किसको देने चाहिए ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। मेडल्स की वजह से बहुत झगड़े होते हैं क्लैन में, ये मुझे नहीं दिया एक्स्ट्रा बोनस जो दे सकते हैं वो, तो मैं आपको बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।